जिला हरिपुर की तहसील खानपुर। अपने बागां, जरी जिमियां, खानपुर डैम ते मरगल्ला दे टाकियां दी वजह नाल सोनियाई विच अपनी मिसाल आपे। इस्लामाबाद तो तकरीबन एक घंटे दे सफर तो बाद इत्थे पहुंचिया जो लगता है, जबकि हरिपुर शहर तो इत्थे तक आधा घंटा लगता है। इस तहसील दा शहर ते ग्रां अज भी सदियां पुरानी रिवायात ते अमीन हन। नियायत मेहमान नवाज ते मिठे लहजे दी हिंद को बोलने वाले इत्थे दे बसनीक पहली मुलाकात विच ही दिलां विच जा करकंदे न। डेडी असां दा इक अजिहा प्रोग्राम है जिहड़ा हजारे दे ग्रावां ते शहरां दी जंजीर बन गया है। इस प्रोग्राम दे जरिए असां दे ग्रां ना सिर्फ होर दुनिया दे सामने आए बल्कि आपे विच भी इन्हां दा राबता होया है। डेडी जिस भी ग्रां या पिंड गई है उस सारी दुनिया उते एक धूम मचा छुड़ी है, बल्कि उस ग्रां सारी दुनिया सियाणने लग गई है। यही वजह है कि हर किसी की कोशिश है कि डेडी उन्हां दे ग्रां विच भी आवे। अज डेडी जिला हरिपुर ते तहसील खानपुर दे ग्रां पिंड मुनीम विच आ गई है। हजारा मोटरवे दे चैचियां इंटरचेंज तो लैके खानपुर रोड ते तकरीबन 6 किलोमीटर सफ़र करने तो बाद यह तारीखी ग्रां आ जुलदा है। इसी तरह खानपुर डैम तो इस ग्रां दा फासला तकरीबन 4 किलोमीटर है। यूनियन कौंसल बरीला दा यह ग्रां एक तारीखी ग्रां है। इस दे बारे विच आखते हैं कि यह इत्थे तकरीबन 2 सदियां तो आबाद है। इस ग्रां दी आबादी तकरीबन 8-10 हज़ार है। पिंड मुनीम दे आर्चर फेरी ग्रावां विच पदनी, बांडी मुनीम, खुई नाड़ा, मंग, काजी मोड़ा ते चक मुनीम शामिल हन। इत्थे बसने वालियां कौमां विच गुजर, अवाण, मुगल, सैयद ते कुछ होर कौमां दे लोग शामिल हन। इह ग्रां पढ़े लिखे लोगों का ग्रां अखवांदा है ते इत्थे शराए खांदगी तकरीबन 70% है। फलदार बूटे खासकर माल्टा इत्थे दी बड़ी सौकात है। पीने का पानी घर घर लगे दा है। बिजली इत्थे मौजूद है पर सूई गैस हले तक नहीं आई। इस ग्रां दे बारे विच होर बहुत सारियां गल्लां अपने नाजरी ना दसने जोगे अज असां अपनी डेडी इत्थे ही शौकत महमूद होना दी डेडी विच सजाईए। इस डेडी का पहला हिस्सा तुसां पिछले हफ्तियां देखा है, अज पेश है दुआ ते आखिरी हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जनाब पिछले हफ्ते तुसां यकीनन डेडी देखी उसी और अज दी भी तुसां इब्तदा तो पता लग गया। पिंड मुनीम विच बैठे थे जी, तहसील खानपुर का ग्रां है और बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत ग्रां है। पिछली डेडी भी तुसां देखा उसी, असं गपशप तो लाई है लेकिन ये कि फुल नहीं है। तो हुण असां जनाब खानपुर के बागों में असी तो माल्टे का ही पता है लेकिन फुल भी हैं। इतने ये फुल आन के ना रखे मेरे मुँह अगे बड़े जबरदस्त फुल होन। तो अल्लाह करे कि हर घरे विच जे फुल होन, तो क्योंकि फुलों नाल होंगे कि इंसान की तबीयत पर बड़ा अच्छा असर पैंदा है। पिछला हिस्सा तुम यकीन देखा उसी, अज जे इतने बसनीक मौजूद हैं उन्होंने गलकत कर सा और इतने के जो टैलेंटेड बच्चे दो चार उन्होंने भी साड़ी गलकत जारी रही। यकीन तुसें एक अच्छा प्रोग्राम देखने से मिल सी। शकीला वान और शायद सलमान के गीत माइयो सुन, स्वाति मामा तुम पता ही है उन्होंने शायरी होंगी है। बाकी पोले की गल करना है, मैं आख मतलब ऊट पटांग सुननी हुई तो फिर पोला भी साढ़े को मौजूद है। गलकत सुन रही है लेकिन ये कि असी इब्तदा करने हैं, मैं खाली स्वाति मामे की शायरी तो स्वाति मामा गल नहीं करनी, लोग बूसा रहे कुछ शायरी सुनाओ। सुनी जी मजा सुना किसी जिम्मेदारे की मजबू बीमार ही, खाँदी पीती कोई नहीं जे बजी हुई घर ही, जड़ा उरा पर फिरे बड़ा परेशान, किंजी उस मुसीबत तो छुट्टे मेरी जान। किसी उस आख्या सियाने को जा, एवं जाई जाई तू बुझारता ना पा, माई तेरी बिल्कुल ठीक हो जासी, जिस तरह बटे उत्ते लीक हो जासी। नाल दे ग्रां एक जना मशहूर आ, थोड़ा जा उस ते ग्राएं कोलो दूर आ, उसे जाके आते है जी मजबू बीमार है, खांदी पींदी कोई नहीं, टाकुए दी मार है, ते दो लख आंदी है बहु नुकसान है, ते खावे पीवे खुल के माए अरमान है।
उस आख्या के कुछ पहले उस मंजिया दिता ही टाकुए दे दारवे दा तुदा कुछ पता ही आ जाओ के असा देवा किंदी नहीं गोली टीका को जो मंदी नहीं ओ पिनी भी नहीं किंदी नला भी नहीं किंदी पुठा भी नहीं किंदी खला भी नहीं किंदी नले अपराध के बाहर साठ छोड़ दिए सारी मेरी सोती जार कर कर छोड़ दिए उस आखा सारी गाली नले दी समझ गई मैं गल सारी गाली नले दी समझ गई मैं गल नला उसा देख दे दे तेरा मसला हल हल तुदा हुण मैं लिख के देना थोड़े अगले कोड़े जाके शहरों आन सारे थोड़े थोड़े सारा कुछ ये कोट कचा के काला एक बड़ा अंदर बन के मंजिया ते नलिया नाल चढ़ा गुड़ जुमिया ते मोड़िया सोए सोफा नाल शनैन ते काली जीरी सुंड मलठी तुम्बा ते अजवैन जने ने चटपड़ी ते लिखे हुए ने कोड़े जाके उसने शहरों आंदे सारे थोड़े थोड़े सारा कुछ उस कोट कटा के काला आन बढ़ाया अंदर बन के मंजिया ते नलिया नाल चढ़ाया फजरी वेले पता लगे मंजी अला बीमार है हर जाना देखने है जांदा पे घर है ओ सेड़ा भूल गए कि उस ग्राएं आया या किसी कमे मारो उसने उधर फेरा पाया ओ भी आके देखता है जना सुजा पुजा होया पीला जरूरत कीता होया रंग शंग उड़िया होया उसे जाके पूछता है दस नला किंजू दिते ही जिंजू मैं समझाया तू तो नला उंजू दिते ही नला उसने दिता है गड़ी कूक कट मारी है इस पिछू एक शायद नहीं रहेगी सियाने ने आख्या नले दे पिछले पासो कर के तू एक मोरी नला दे के फूक मार जितना अंदर जोरी नले दे पिछले पासो कर के तू एक मोरी नला दे के फूक मार जितना अंदर जोरी इस तरह फिर दारू सीधा मैं दे देवे जासी नालो नारी मई तेरी फिर खुल के हर शह खासी उस जने ने सब को जानदा काला आन बढ़ाया अंदर मन बन के मंजिया से नलिया नाल चढ़ाया ते फजरी पता लगे भाईया आप बीमार है हर जना देख रहे हैं जानदा पिया घर है ओ जना भी भुल के कह रहे उस ग्राएं आया ओ भी उस पुछो पालो उस घर में आया अगे आके देता जना सुजा पुजा होया पीला जरूरत किया होया रंग चंग उड़िया होया उसे जाके पूछता दस नला किंजू दिते ही जिंजू मैं समझाया तू तो नला उंजू दिते ही पाता नला उसे दिता गड़ी कूक कट मारी है मेरे को पहले मंजी फूक कट मारी है माशाला जी जबरदस्त और मैं तुसा जिन्हें नहीं पता अपने नाजरी ने दसा लोरा चौक पे स्वाति मामा रहते हैं और थोड़े जाइए तो उत्थे रेलवे लाइन है जी हवेलियां हरिपुर के दरम्यान ट्रेन चलती है पिंडी दरम्यान तो उत्थो गड्डी कूक जरूर मारती है क्योंकि उत्थे बच्चे शच्चे होंगे बाकी तुसी आप समझदार हो मां दसने की कोई जरूरत नहीं तो गल करने जी डेडी अगे बधाने साढ़े ना शौकत महमूद साहब बैठे थे थोड़ी जी गल उन्होंने कि जिन्हें डेडी उत्थों ही इब्तदा करने हैं अच्छा शौकत महमूद साहब मैं इधर पे देखना तुसी भी जनाब छलावा हो उसे चले गए हो अच्छा अच्छा मां तुसी दसो तुसी पिंड मुनीम दे ही रहने वाले हो या कोई और ग्रां है जी चक मुनीम ने तुसी चक मुनीम दे हो 4 किलोमीटर दूर है चक मुनीम ए बेसिकली पिंड मुनीम चक मुनीम एक बांडी मुनीम त्रैगा एक के को मुनीम खान है उन्होंने ना उन्होंने के मुकद्दम मुनीम खान है उन्होंने त्रैगा है पिंड मुनीम चक मुनीम और बांडी मुनीम वो इतने के मालिक है जी जी इन्हें ग्रामा के मालिक है फिर बाकी इतने लोग आ मतलब अपने देखो ना एक तारीखी गल दसी तो जनाब अस पिछले बच्चे तुसा स्कूल की भी गल की पिछले जो डेडी का अज भी कुछ बच्चों गलकत कर सा तो एवें मतलब एक चीज़ तुसा को पुछने कामन होंगे अल्लाह ताला की मेहरबानी है तुसा माशाल्लाह मतलब जितनी स्ट्रेंथ तुसा को है तो कुछ बच्चे ये होंगे कुछ बच्चे टैलेंटेड होंगे लेकिन वालिदैन उन्होंने जोड़े हैं तो एफोर्ड नहीं कर रखते उन्होंने फीसा वगैरह क्योंकि तुम स्कूल प्राइवेट स्कूलों दीसा अच्छी खासियां होंगे तो कोई इस तरह का है कुछ का सिलसिला कि मतलब कोई मतलब ये जो बच्चे होवन कि जहाँ जो फीस ना दे सकते हो लेकिन वो पढ़ना चाहते होवन तो उन्हें दाखिल किया हो सर इस तरह है कि फीस के हवाले कदे भी ऐसा नहीं तरजीह फीस नहीं रही अच्छा और इस वक्त भी कोई भी यतीम बच्चा है जरा जिसने वालद फोत हो गए ने चाहे वह लैंडलॉर्ड ना बचा है असने इदारे ने कानून है कि उस बच्चे हाँ फ्री पढ़ाने हैं लेकिन उस वास्ते एक शर्त यह होनी है कि वो रिजल्ट अपना A1 रखसी 80% होते रखसी इस तो अलावा डिजर्विंग बच्चा गरीब वालदैन ना कोई भी बच्चा है वह असा अगर आ जुलना है तो इस वजह तो ना जुलसी कि वह फीस अदा नहीं कर रखना तीसरा है वे असा जरा फी ना स्ट्रक्चर रखे है
असने वालद साहब ने एक वसीयत आई कि जिस वक्त भी तुसी फीस अपनी मुकर्रर करने हैं बैठो तो यह जहन रखो कि एक मजदूर अपने त्रै बच्चे कम अज कम तुसाने स्कूल पढ़ा सके। और इस वक्त भी इतनी मायार ने बावजूद असानी नर्सरी क्लास की जी फीस है 800 तो शुरू होनी है और मैट्रिक की फीस जी 2400 रुपए है। अच्छा। इस फीस के दौरान सारी फीसिस ने ठीक है कता ने मकसद नहीं रखा कि इदारे तो या तालीम तो असी कोई कारोबार कर सा या कमासा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है वो बच्चों की बेहतर तालीम है और तालीम नाल तरबियत। बड़ी अच्छी गल है। आमतौर से स्कूलों में फंड्स होंगे ना, मतलब स्पोर्ट्स फंड तुसी कहते हो, लाइब्रेरी फंड तुसी कहते हो, लेबोरेटरी फंड तुसी कहते हो, एक नवा फंड इंट्रोड्यूस कराओ, मुतारफ कराओ इस बारी, क्योंकि असं तुम स्कूल में आए हैं तो मेरे नाल भोला तुम्हें पूरे स्कूल में फिर तो किसी वाशरूम में शीशा नहीं था उस एक शीशे का फंड भी करो तो चार शीशे लुआ बस मेरे ख्याल में शीशे की जरूरत नहीं होनी स्कूल है। तालीम और तरबियत ना हर सामान मौजूद है किसी दिल आता है ना कि मतलब मुंह हाथ धो के अंदर करो ना बस वो मुंह हाथ करो ही तो होके आवे तो मुड़ के घर ही धोवे घर ही धोवे असी आप भी इंजॉय करने हैं तो चलो चलो बड़ी मेहरबानी जनाब। अच्छा इतने बैठे थे जी काजी अकनवाज साहब इतने ही उन्होंने इसी इलाके तलक है तो काई साहब ना थोड़ी जी गल करने हैं। अच्छा काई साहब क्या जी मैं पहले तो 2-3 साल एजुकेशन रहा ते फिर डिपार्टमेंट छोड़ के वापडा में चला गया। अच्छा ते 37 साल सर्विस की थी ते हूँ 3-4 साल वापडा में क्या तुसा दी जिम्मेदारी? मैं मीटर रीडर रहा फिर रीडिंग सुपरवाइजर रहा। ए गल सुन जी खफा ना हो, एक गल करा जी, माड़े ग्रां दे एक जने हो तां मानसरे वे ना ताकि ओ तां मीटर रीडर है, यकीन कर सोस ते का के मक्खन देसी अंडे नहीं मुकते, ए हाल तुसा दा वी आ सर। यार जी ए अपना अपना हर आदमी ना रवैया, अपना अपना हर आदमी ना वो चीज होनी है। असा सरोस च इंशाल्लाह खिदमत की थी, इलाके ने लोग भी बैठे ने इंशाल्लाह किसी जगह भी चले वैसो लोरे ड्यूटी करके मैं आया एक साल बल्टेर सबडियों लोरा सबडियों ने लेकिन बल्टेर दफ्तर उत्थे भी साल मैं ड्यूटी की थी। उत्थे भी तुसा जितने भी वो इलाके ने लोग आए ने नाए तो कदे गल करो तो इंशाल्लाह अच्छी वो दे सुन, और इस इलाके ने लोग भी बैठे हुए ने अल्लाह ने हुक्म नाल सरोस दी है लोगों जी इंशाल्लाह। नगरी नगरी टुटियाल है ग्रां लोरे बिच ही अंदर ही है ग्रां जी जी उत्थे ते लोग सुने बिजली कोई चोरी कर दे नगरी टुटियाल किथे ने ए लोरे नाल थोड़ा जा तरले पासे आते बिजली कोई चोरी कर दे पर अले कोई परसेंटेज हुण रह गई जी चोरी वाला काम हुण ज्यादा नहीं रहा साहब तो बाद चले गए ना ज्यादा सर शकील शकील अवान साहब नगरी टुटियाल दे बाकी टुटियाला वाले खफा ना हो जरा नाल गपशप लाना ते चलो आम तौर पर इस तरह होता है जी कि मतलब साढ़े मीटर रीडर घर बह के रीडिंग कर दें तो फिर किसी आदमी का बिल ज्यादा आ रहा है तो दफ्तर पर चलो तो आखते हैं जी तुस इंजू करने किस तरह कर देने तो इस रिवाज या इस कॉन्सेप्ट खत्म होना बहरहाल जी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है असा तो बोल बोल के मैं यूनियन भी रहा। अच्छा तो यही गल करने रहे कि जी स्ट्रेंथ है इसकी वापडा नहीं जेड़े यार्ड स्टिक ने मुताबिक सबड़ी हुए जितने बंदे होने चाहिए वो बंदे नहीं देने, एक बंदा 8 या 10 आदमी ने काम करना है जिस वे उस एक ग्रां की रीडिंग देसो तो वह यकसूई नाल कर सी जो तुसी उसने 8 ग्रां उसे दे छोड़ सो दे मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी भी आ गई है हूँ, मतलब पहले होता है कि मीटर पढ़ना लिखना होता है हूँ बस एक तस्वीर किन्नी है अगर बात जुड़ना वो भी सर वो सेंड करना है उस मीटर तक जाना जरूरी है ना उसने। जी जी बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी। तो बैठे दिन फारूक शाह साहब थोड़ी जी गल उन्होंने करने हैं तो फिर उस तो बाद जनाब फिर अस तुसा एक अद्ध गीत भी सुनाने हैं। शाह साहब क्या हाल है सर? खैर सर ठीक। माइक जरा नेड़े रखो ना जी। ठीक ठाक है इंशाल्लाह। ठीक हो तुसी? इसी ग्रां दे हो? नहीं मैं बांडी मुनीम दा सर। अच्छा बांडी मुनीम दे हो? नजदीक 1 किलोमीटर दूर। तवीज शवीज देंदे हो जी? कुछ थोड़ा बहुत करने कर दे हो ना। अच्छा एक ही गल है मतलब जिथे भी सैयद है तवीज जरूर देंदे ने एक ही मतलब लोका दा एक होवे कीदा बणदा है जी? ठीक है को असर भी होंदा या तवीज लिखते रहे हो तो कोई शायरियां लिखते रहे जो काम है वो बस इस तनखा कहते हो काम तुम किया नहीं।
चलो मेहरबानी असि जरा गपशप लाने हैं ते ए सिलसिला साडा अगे चलदा रहंदा है। मलिक यूनुस साहब किथे बैठे दिन जी? जी जनाब जी। मलिक साहब क्या हाल है? खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी इसी ग्रांदे हो? ना मैं पदनी में नहीं मना जी। जी पदनी शरीफ पदनी दे हो? हां जी। ओ साडा एक पदनी दा एक साफी हुंदा है निका जा। जी जी। ओ किथे है जी? नवीद पदनी। नवीद पदनी जी जी। ओ किथे? ओसे मोको फोन कीता परसों नवीद पदनी सो मैं समझे किसा कुड़ी कर छोड़ दस में खुदा दी मैं। जी जी हां जी वो जी 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 तुसे कौन बोलदे हो? ए जे इत्राम नाल गल करदा रहया ते घंटा बाद में जाता मैं नवीद पदनी बोला मैं बंद करवा नवीद पदनी। अच्छा तुसी पदनी दे घराएंदे हो? जी पदनी घराएंदे हां। अच्छा तुसी भी टीआईपी विच हो? ना जी ना मैं इथे कार ही आया जी। अच्छा कार ही टिके रहे हो? कार ही टिके रहे हां। जिम्मेदारी करदे रहे हो? जी जिम्मेदारी माशाल्लाह। के कणक कणक मकई होंदी है ज्यादा इथे? कणक मकई होनी है, ट्रैक्टर अपना रखे है, जिम्मेदारी करने है बस, और नाल गरीबा और बेरम काम करने है। माल डंगर भी रखे दे? जी रखे दे ने। गाईयां आजकल लोग गाईयां ज्यादा रखते ने? हां गाईयां भी आए ने मजियां भी आए ने। ए गल सुनो रोजे आने ने काशिफ भाई दी कार कह जरा थोड़ा जा भेज दे सा जी। हां भेज दे सा। चलो यो इसलिए बड़ा महंगा हो गया है। खालद यकीन कर सो उस मन दुध पूरे अहमदाबाद को सप्लाई करता काम तो नहीं पकड़े ना 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 करने। चलो जी बड़ी मेहरबानी मलिक साहब बहुत शुक्रिया अल्लाह तुसा खुश रखे। ते साढ़े कितने प्राण जी तो बैठे दिन उन्हें गल करने हैं। खालिद साहब बैठे दिन साढ़े नाल क्या ले जी ठीक हो? जी मलिक साहब अल्लाह पाक ना करम में जी शुक्र है मालिक ना। तुसा ना ग्रां केड़ा है? मेरा ग्रां पिंड गुजरा है जी। पिंड गुजरा दे जी जी। अच्छा गल सुनो नई मजार भी दा ग्रां केड़ा है? उन्हां ना ग्रां अली अली दे जी। अली और पिंड गुजरा नेड़े नेड़े ना जी। तहसील एक ही तहसील हनपुरी लेकिन वो पहाड़ ऊपर इलाका हनपुर ये लोअर इलाका हनपुर। अच्छा 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 ठीक है। कौन जी सियां पहाड़ा दी जमीन तना नहीं है नहीं सैणना है नहीं मजार भी हाँ यह ना हो फिर जान छुड़ा जी मुश्किल हो जाए। चलो कोई डेडी डेडी दे बालना को गल करो। मैं सब मैं सरंत पहले तुसा इथे आमो ते हरकत आओ करना शकील भाई हरकत आओ करना बाकी जितने मुजीन लगा बैठे ने और शोको साहब ना और भैन आए भाई ने शुक्रिया अदा करना इन्ना एक अच्छा इवेंट इतने ऑर्गेनाइज कराया अच्छी डेडी ऑर्गेनाइज कराई जी। मैं अपनी तरफों और अलियान इलाका की तरफों खराज तहसीन पेश करना जी। बहुत शुक्रिया। तुसा नाल जरगर साहब बैठे थे जी इरशाद जरगर ते क्या ले जी ठीक हो? शुक्र अल्लाह ने जी। सोना किस तरह तोला आजकल? मलिक साहब सोना ते 2 लाख तो उते अबव हो गया जी। 2 लाख तो ज्यादा है दुकान आजकल नहीं खत्म हो गई? नहीं जी मेरी ते तकरीबन मैं 1984 तक। फिर जरगर क्यों लिखते हो? पेशा है जी वालिद साहब ने ना तो चलने पे हां तो उसी तरह जरगर आगे लिखते जुल दिन जी। हां हां सुनहरे दे वैसे जान जान गला मशहूर हो ना कार सोना हुंदा सुनहरे दे बस हुन ते बहुत मेहरबानी। मेरा ख्याल खासियां गल्लां हो गईयां ते गीत असी शुरू शामिल करके वे अद्धी अद्धी राती अशनाए वे अद्धी अद्धी राती अशनाए वे मैं आखा कोई और मड़िया माया वे मैं आखा कोई और पहले असें आणता है शमला वे पहले असें आणता है शमला वे इच्छा से आणती है टोर मड़िया माया वे इच्छा से आणती है टोर खोट मड़िया माया
ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुम पिंड मुनीम की डेडी बेचार कद आखने जी बड़ी जबरदस्त डेडी और ब्रेक तो पहले शकील अवान को गीत सुने और बड़ा जबरदस्त गीत साढ़ा असी मे सिंध को साढ़ा जरा गलियाती ले जा आखने या पहाड़ी ले जा और बड़ी खूबसूरत है अद्धी अद्धी राती अच्छा तू बहरहाल डेडी पर मुख्तलिफ लोग मौजूद होते हैं बच्ची भी साढ़े मौजूद है मुकदस तो जनाब टैलेंटेड बच्ची है इस को पुछने कि अभी डेडी पर के पेश करती जी बेटा माई तो बच्चियाँ जी बेटा के नाम सुन मुकद्दस इधर मुड़ के खलो अच्छा तुसी जो कुछ सुनाना चाहते हो सुनाओ साइंस को इंग्लिश में पढ़ाया जाए या उर्दू में पढ़ाया जाए ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमने इस कंफ्यूजन को खत्म किया और दोनों लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए निहायत मुख्तसर टाइम में कौमी निसाब के दिए गए तमाम कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन और सादा अंदाज में सीखा जो मैं आपके सामने पेश करूंगी। लिविंग थिंग जानदार इशिया नॉन लिविंग थिंग बेजान इशिया प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करने वाले जानदार एनिमल्स दूसरों से खुराक हासिल करने वाले जानदार वर्टिब्रेट्स रीढ़ की अड्डे वाले जानवर इनवर्टिब्रेट्स बगैर रीढ़ की अड्डे वाले जानवर फ्लावरिंग प्लांट्स फूलों वाले पौधे नॉन फ्लावरिंग प्लांट बगैर फूलों वाले पौधे पार्ट्स ऑफ प्लांट जड़ तना पत्ता फल फूल हर जिस्म को खून की तरतील करता है स्टमक खुराक को हजम करने में मदद करता है टीथ खुराक को चुबाते हैं बोन जिस्म को शक्ल देती है तादाद 206 मसल जिस्म को हरकत करने में मदद करते हैं इकोसिस्टम जानदारों का माहौल से ताल्लुक बायोटेक कंपोनेंट इकोसिस्टम के जानदार अज्जा ए बायोटेक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के बेजान अज्जा फूड चेन पौधों से जानवरों में खुराक की मुतकली हर्बीवोरस एनिमल पौधे खाने वाले जानवर कार्निवोरस एनिमल गोश्त खाने वाले जानवर ओमनिवोरस एनिमल पौधे और गोश्त दोनों खाने वाले जानवर कॉम्पिटिशन जानवरों का मुख्तलिफ ज़राए के हुसूल का मुकाबला सिम्पटम्स और डिजीजेस किसी बीमारी की ज़ाहिरी अलामत कॉन्टेजियस डिजीजेस जो एक ऐसी बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस ऐसी बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं हो सकती बैलेंस डाइट ऐसी खुराक जिसमें तमाम अज़ा मुनासिब मकदार में मौजूद हो बॉइलिंग पानी को उबालना फिल्ट्रेशन पानी से गैर जरूरी अज़ा को छानना मैटर वजन रखने और जगह घेरने वाली चीज़ें सॉलिड ठोस चीज़ें जिनके अज़ा आपस में सख्ती से जुड़े होते हैं लिक्विड बहने वाली चीज़ें जिनके अज़ा आपस में थोड़े फासले पर होते हैं गैस मादा की वो हालत जो नज़र नहीं आती और जिससे अज़ा एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं मेटल वो ठोस मवाद जो चमकदार नरम और मुलायम हो और जिससे बिजली और हरारत आसानी से गुजर सके फ्रिक्शन फोर्स खींचना और धकेलना मोशन जगह की तब्दीली फ्रिक्शन हरकत को रोकने वाली रगड़ सिंपल मशीन वो आला जो काम को आसान बनाता है ग्रेविटी ज़मीन की वो कुव्वत जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है जी बेटा बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश अकबर खान साहब सर नाल बैठदे ने क्या हाल जी ठीक हो खैरियत है ठीक ठाक इसी ग्रांड दे तुसी वी ना जी मैं मंग दे रहने वाला अच्छा मंग तो आए दे ऑफिसर फाकत साहब दा ग्रां ऑफिसर फाकत सेण दे ने जी अच्छी तरह ऑफिसर साहब इनकम टैक्स से वो बड़े अफसर होने जी जी तुसा दे ग्रां दे और मतलब इस डिपार्टमेंट वे जेड़े चंद लोग हैं ना जेड़े दयानतदार उन्होंने बिना शुमार होता है बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक है उन्होंने अच्छा मंगा दे लेकिन रे मैं चले गए टैक्स ले चले गए ना जी वो जिरेंद्र बस्ती जिरेंद्र आज तुसी आप के करदे हो मैं टीचर रिटायर्ड हूं सर अच्छा टीचर रिटायर हो अच्छा माशाल्लाह ते आजकल कार होंदे हो डेडी प्रोग्राम देखते होंदे हो जी देखने हैं जी अच्छा बड़े अच्छे दिलचस्पी नाल देखने हैं क्योंकि जफरलाल साडे पसंदीदा ने शकील भाई तुसी मतलब काशिफ साहब जितनी मतलब साडी ना एक साडी अपनी एक उनस्ती हद तक गल है ना एक मैं बंदा लगदा है ना एक और सारे चंगे लगदे बड़ा ना ना भोलिया तू ते सारे को ज्यादा चंगा लगदा है इस वास्ते कि तू जी रौनक पैदा कर ले और फिर संभालियो आप तू ते सोसाइटी दा एक संगिया एक गल सुनो तू स्कूल दा उस्ताद आसी
ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁਕੀਆਂ ਸੰਗਤ ਬਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਨਾਥੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਬਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਆਂ ਕੱਪਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿਤਾ ਹੀ ਮੁੱਦੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤਾ ਹੀ ਮੁੱਦੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਤੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੀ ਅੱਛਾ 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 ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੌਣ ਜੀ ਜਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਹੈ ਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰੰਗ ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਟਪਕਦਾ ਨੂਰ ਤੇ ਨੂਰ ਤੇ ਨੂਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫੌਜ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਜੁਲਦੀ ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸਾ ਸਾਂਵਲਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲੋ ਸੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਿਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਨੇ ਬਸ ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਾਈਏ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਏ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਰਸਲ ਅਬਾਸ ਹਨ ਸਾਕਿਬ ਅਨੀਫ ਹਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲਤੇ ਦੇਣ ਬੇਟਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਮਾਈਏ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਣ ਜੋ ਜਾਵੇ ਅੱਗੋ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਕੁਬਾ ਜਾ ਲਾਵੇ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਗਲੇਂਦਨ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਏ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਦਨ ਇੱਕ ਤੰਗ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਗਲੇਂਦਨ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਏ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਦਨ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਵੀ ਲੇਟ ਜੋ ਜਾਵੇ ਐਡ ਮਾਸ ਤੇਰ ਕੰਨ ਪਕੜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਕੁਬਾ ਜਾ ਲਾਵੇ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਦੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਪ ਸੁਣਾਓ ਕਾਲਜ ਦੇਈ ਮਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਖਾਸੇ ਯਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪੋ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪੋ ਮਾਇਆ 4500 ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਵੇ ਮਾਇਆ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਾ ਅਟਵੇ ਬਾਬੂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਵੇ ਮਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਵੇ ਮਾਇਆ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ 50 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਲੀਏ ਤਾਈ ਤੇ ਨਾ ਪੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਵੇ ਮਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਏ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਣ ਦੇ ਕੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਨੀ ਕੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਨੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿੱਦੜ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਟਾ ਆਪ ਉਸਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਲੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲਮ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਗੁੰਬਦਿਆਬਗੀ ਨਰੰਗ ਤੇਰੇ ਮੁਹੀਤ ਮੈਂ ਅਬਾ
कलम भी तू आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग आलमे जी बच्चों को जनाब मौसीकी भी सुनी नात भी सुनी टैलेंट साढ़े मुआशरे में मौजूद है सिर्फ एक मौके मिलते रहन तो डेडी प्रोग्राम एक अजा प्रोग्राम है कि जिस अस बहुत सारे लोगों मौका देता है तो माशाल्लाह वो मतलब किसी जाई चले गए बल्कि असं अपनी भी जिक्र करा कि असां दी भी खास तौर पर मैं अपना जिक्र करा मैं स्वाति मामे का जिक्र करा मैं भोले का जिक्र करा बाकी इन सारे मुतारफ कराया इस डेडी प्रोग्राम और डेडी प्रोग्राम बहुत सारे गुलूकार भी मुतारफ कराए एक बुजुर्ग साढ़े नाल बैठे थे जी नाल गल करने अस्सलाम वालेकुम सुनदा के ना है मुख्तियार अहमद अच्छा माशाल्लाह तुसी खासी देर से दे बैठे हो मेरा दिल आखता तुसां गल करा ते उम्र कितनी है तुसां दी अच्छा 71 साल है मैं समझा तो मैं स्वाति मां को निके वैसा मतलब अच्छा 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 माशाल्लाह प्रोग्राम देखते होंदे हो जी अच्छा इस पे के शै अच्छी लगदी है सारा प्रोग्राम अच्छा जी सारा प्रोग्राम अच्छा लगदा काम करदे के रहे हो काम शम के करदे रहे हो जी मैं चौकीदार हैं अच्छा स्कूल में तुसा मैं तालीम में नौकरी की थी चलो बड़ी अच्छी गल है जी तुसी बैठे दे हो मेरा दिल आखा तुसा नाल गल करा ते मैं आखा बुजुर्गां माइक दो ते तुसी किसी होरी दर पे देखते हो आपे आदि बुजुर्ग नहीं समझदा ना स्वाति मामा भी आपे जातो की समझदे नाल तानी चलो बड़ी मेहरबानी जी बच्ची है साडे नाल एक टैलेंटेड बच्ची है इसको लोग कुछ चीज सुनने आओ बेटा Classification, grouping, vertebrates have backbone, invertebrates have no backbone, flowering plant produce seed, monocot have one seed leaf, dicot have two seed leaf, biodiversity, life on earth and the habitat, hunting, killing of wild animal, deforestation, cutting down of trees, extinction species not found on earth, endangered species in danger, microorganism, tiny living things, bacteria, single cell microorganism, fungi, simple organism, viruses, tiny infectious particles, decomposer, break down dead organism, infectious diseases caused by microorganism. Pollination, transfer of pollen gain, cell pollination, transfer pollution. The presence of harmful substances in environment, water pollution, presence of harmful substances in water, air pollution, presence of harmful substances in air, water pollution, presence of harmful substances in water. Biodegradable materials, which are made by living things, non-biodegradable materials, which are made by non-living things. Freezing when water changes from liquid to solid, melting when water changes from solid to liquid, evaporation. Static electricity, a build-up of an electric charge. Conductor from which electricity can pass, insulator from which electricity cannot pass. Magnet, a piece of material that has properties of attracting certain material. Electromagnet made an electricity can pass through an iron rod. Thank you, beta. Bahut shukriya. Aap log baitho apni jagah pe. जी नाजरीन सारे बच्चे परफॉर्म करते हो बड़े नाल गल करते हो तो दिल आखता प्रोग्राम चलता रहे लेकिन जी प्रोग्राम का एक वेला होंगे उस मुकना होंगे तो अज के प्रोग्राम का भी वेला नेड़े लग गया थोड़े जे मतरूक अल्फाज पिछली डेडी बिच में शामिल नहीं कर रखे वो शामिल करने हैं तो फिर तुम को चाहें इजाजत एक लफ्ज़ जी पणकोल पणकोल का लफ्ज़ साड़ी इंदको बिच हूँ घट इस्तेमाल होंगे आम तौर पर लोतर भी लोग घट आखते हैं लोतर भी हूँ आखते जी सालन पके द तरकारी पकी दी है तो जोड़ा लोतर पतला ज़्यादा हो जिसमें पानी ज़्यादा पेदा हो ते उस आखते हुंदे ने पणकोल जिस तरह तुसी कदे कदे कार जुलो ते के पणकोल सही बाकी जी होवे ना मीठा ना पत्ती एवें बे बार बार प्याले दो दस दिन चाय के पणकोल ए मां तुसा तो इना ही आखे जी के मैं कार जुलना पणकोल मेरे अगे रख छोड़ दी चाची मामी तुसा दी अच्छा एक लफ्ज जी अंगल बैड़ा
अंगल बेड़ा ए भी एक, एक मतलब एक बीमारी है, पता नहीं हूँ अजकल के आखते हैं नाखन तले अंगूठे के नाखन तले या अंगली के नाखन तले एक निका जहा छाला एक निका जहा दाना बन जाए उस पास पै जुलती है तो बड़ा मशहूर होंगे और जितना दर्द होंगे उसका कदम होया अंगल बैड़ा वो उस अंगल बैड़ा आखे जुलता और उसका मैं इलाज भी बड़ा आसान जहा दस छोड़ा साढ़े बडेरियां का प्याज गर्म करके उस उत्ते राती बन छोड़ो तो सुबह ताणी सारी उस पिछों मतलब गंद बला निकलेगा होंगे। एक लफ्ज है सांगी इससे मैं लिखन लग्या तो मैं गल याद आ गई है पुरानी तो असं की एक डेढ़ी चलती भी साढ़े ना दो लाले होंगे निका लाला तो बड़ा लाला तो उत्थे एक बंदे आख छोड़िया इतने हरिपुर में डेढ़ी मैं आखन लगे जी तुसा नाल दो सांगी बड़े अच्छे तो उन्हें फिर गल लगी मंदी आखन लगे जी असं सांगी हाँ असं ये हाँ वो हाँ बहरहाल फनकार या मतलब खेल तमाशा करने वाला इसका मतलब यही होंगे जिस तरह अंबे रूपिया जिस तरह अच्कल भोला साढ़े नाल सांगी है सांगी है ना सांगी तो वह भी होंगी ना जिस नाल का पो डाल वो सांगी भी है वह सांगी भी है लेकिन ये एक सांगी भी होंगे एक सांगी पो डाल दे रहे सांगी नाल झाड़िए झाड़िए कपते कपते सब पकड़ के कंडे कपते वो त्रिंगल आखते उस त्रिंगल आखते सब तू सांगी आखने। अच्छा एक होंगे जी खरिटे। अच्छा ये लफ्ज जेड़ा बहुत ज्यादा खत्म तकरीबन खत्म हो गया जिस तरह अच्छे पाए आख छोड़ने बडेरे आखते होंगे मंजी के पाए जो गाई के पाए इन्ह खरेटे आखते होंगे जी खरेटे पकाए दिन और चूल्हे से खरेटे चाड़े देने नहीं गलते पे हाँ अजकल असं कद साढ़े भोले दुरियां देखो तो खरेटे याद आ रहे हो। अच्छा एक और लफ्ज है जी पुआंटी। पुआंटी का मतलब चक्कर आना मतलब किसी चीजा देख के ना तो एकदम फिर जुलना आना वो क्या आखते होंगे जी रन पर आई मतरूक होते जुड़े अस अपने घर इनको बोलनी चाहिए बच्चे नाल और मैं आखिर में यही गल साड़ियां खवातीन भैन जड़िया घर में देखती हैं अपने बच्चे नाल जबान बोलो ये तुसा दे आबाओ अजदाद तो बडेरियां तो जबान चली आती है अगे बधाना तुसा दा काम है बच्चे नाल ना बोलसो तो होर कोई भी नहीं बोलता। साड़ी डेडी पे जनाब अज एक नवे आर्टिस्ट आए तुसा बिल्कुल ना देखा उसी उन्हें किरदार अदा किया आसिम रशीद तनोली हरिपुर तो खास तौर पर साढ़े नाल आए तो एक अच्छा कैरेक्टर उन्हें प्ले किया है अज की डेडी उन्हें मुतारफ कराया अच्छा लगे इंशाल्लाह आइंदा भी उन्हें बुलासा एक बच्चे मेरी पोर्ट्रेट अपने तौर पर पेंसिल नाल बनाई है उन्होंने मुहब्बत इतने डेडी पर बह के उन्हें बढ़ा छोड़िए वो मैं देना चाहते ना बेटा बहुत शुक्रिया। तेरा नाम के वे अब्दुल्ला मजहर इस बच्चे का ना है माइक तो स्कूल नहीं तो जनाब इस मेरी तस्वीर बढ़ाई है जितनी इस मेहनत की है बहुत शुक्रिया बेटा थैंक यू। आखिर तो शकील अवान को सुनासा गीत गीत सुनो और न एक और गल कि जाहिर है अगर रोजे पे शुरू होते हैं रोजे तो बाद फिर तुम्हारे मुलाकात हो सी तो रोजे जनाब बिल्कुल खुशू और खुशू न रखने तो अल्लाह हिम्मत देंद गर्मी का मौसम जाहिर है थोड़ी जी गर्मी हो गई है तो अल्लाह हिम्मत देसी रोजे भी रखने इबादत भी करनी सारा कुछ अल्लाह करे तुसां रोजे मुबारक गुजरन फिर मुलाकात होसी। काशिफ मलिक सारी टीम दे इजाजत अल्लाह सोने दे हवाले।